हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे चैनल। कैसे हो आप सब? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जैसे कि इससे बताया तो अच्छी कोट है और बारिश हो रही है और बेंच पे बैठे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज, इसलिए आप लोगों ने देखा कि चीकू यहाँ बैठा हुआ है। चीकू स्कूल आज नहीं गया क्योंकि सुबह इस टाइम तो फिर भी बेटर है, बट सुबह इतनी आंधी थी, इतना हाँ अभी दिखाते हैं। इतनी आंधी आ रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो इसीलिए हमने इसको भेजा नहीं, क्योंकि इस इतने इतने खराब मौसम में बच्चे ज्यादा आते भी नहीं और इसकी तबीयत भी बहुत जल्दी फिर खराब हो जाती है। काफी हवा थी, काफी ठंडी हवा थी, तो इसीलिए आज स्कूल नहीं गया ये। और आप लोगों ने देखा था जैसे कल क्रिसमस ट्री हमने लगाया था, है ना? यस। हाँ, क्रिसमस ट्री लगाया था, लाइट्स लगाई थी, देख लिया था बेटा हमने। तो रात में लाइट्स हम ऑन कर देंगे तो चीकू वही दिखा रहा है कि क्रिसमस ट्री लगाया है, दिखा रहा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा ठंड तो बहुत हो गई है, बाहर बहुत ठंडा हो गया है, इतना इतनी आंधी, इतने पेड़ ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पेड़ ही गिर जाएंगे। इतना बुरा मतलब माहौल हो गया है बाहर का, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है इस टाइम पे, सब अपने अपने घरों में बिल्कुल बंद है। और चीकू आपने अपना राइनो दिखाया, कलर किया था, दिखा दो। तो चीकू ने राइनो कलर किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो चीकू को आपको दिखाना है कि चीकू ने कैसे कलर किया। चीकू ने अपने आप ये कलर किया है, ये देखिए कलर किया है चीकू ने। ये वन साइड है एंड अनदर साइड ये है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इसने अपने आप बैठा बैठा कर रहा था, इसको छोड़ दिया मैंने कि ये अपने आप, हाँ बहुत अच्छा है, मैंने कहा आप अपने आप कर लेगा जैसे इसको ठीक लगे। हाँ, ये वाला भी किया राइट। व्हाट? बहुत अच्छा कलर किया है। इट्स ब्यूटीफुल। ये वाला? डू यू लाइक दिस वन और दिस वन? विच वन? दिस वन। दिस वन? ओके। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो काफी अच्छा है। $1 का मिलता है ये, वो भी लकड़ी का है, और ये कलर भी डॉलर के भी मिलते हैं $1 के। तो आई थिंक इससे ये दो बार के यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा डिप कर करके बार बार करते हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज ये भी $1 का मिलता है, ये लकड़ी वाले ऐसे और भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, या फिर कुछ और डिजाइन भी होती है, कुछ बॉक्सेस होते हैं, या फिर कुछ डेकोरेशन का होता है वो भी ऐसे मिलता है, तो उसको भी आप लाके कलर कर सकते हो। तो मैंने सोचा था कि इसके लिए ले आऊंगी, और ताकि इसी में बिजी रहा करे थोड़ा सा, और इसको अच्छा भी लगता है। चीकू ये देखो, शैतानी कर रहा था, देखो कितना शैतानी। चीकू पीछे गिर जाओगे पीछे। एक बार ऐसे ये बेंच से नीचे गिरा था और इसके सर में धार, इतनी तेज आवाज आई थी, फिर चीख चीख के रोया था। उसके बाद भी मैं उसको मना करती हूँ कि इस पे मत चढ़ा करो, लेकिन ये नहीं मानता, बिल्कुल कहना नहीं मानता। हाँ, अब बेटा ऊपर नहीं बैठना, ओके, वरना आप गिर जाओगे राइट। उस पे भी नहीं बैठते। बस अभी मैं चाय बना के लाई हूँ और इसको मैंने स्मूदी खिला दी है घर में। तो भैया हमने हीटर यहाँ पे नीचे भी हीटर वो चल रहा है, और बाकी जो घर में जो हीटर चलता रहता है वो तो परमानेंट चलता ही रहता है, बाकी नीचे का और गर्म हो जाए इस वजह से हमने एक छोटा हीटर भी नीचे रख रखा है। बाकी वेंट से जो चलता है हीटर वो तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो 72 पे हमने टेम्परेचर सेट करके रखा हुआ है कि टेम्परेचर 72। चीकू प्लीज गेट डाउन। और ठंडा तो हो ही गया है काफ़ी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर का कि कैसा हो रहा है। चीकू प्लीज गेट डाउन। ये देखिए बाहर कैसा हो रहा है, अभी तो बारिश रुक गई है, लेकिन हाँ देखिए सब पेड़ वगैरह सब बहुत झड़े हैं अब तो इतनी। चीकू प्लीज बाल छोड़ो। तो अभी तो बारिश
अभी तो आंधी वंधी नहीं चल रही है, बट सुबह का इतना बुरा हाल था। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा पेड़ ऊपर दिख रहे होंगे। काफी सुबह तो इतनी तेज तूफान जैसे आवाजें आ रही थी पेड़ की, इतनी तेज तेज। मैंने कहा भाई आज मैं नहीं भेजूंगी, कहीं बीमार ये और हो गया, क्योंकि ये वैसे भी इतनी जल्दी बीमार हो जाता है, इसकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। थोड़ा सा भी ठंड लगी नहीं कि ये बस बीमार हो जाता है। तो बीमारी से भाई इसको बचा के भी रखना है मुझे, क्योंकि तबीयत इसकी खराब होती है 10-15 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो इसलिए और कई बच्चे भी ऐसे मौसम में इसलिए नहीं भी आते हैं, क्योंकि फिर वही कोल्ड का डर रहता है। तो इसीलिए गाइस कोई रिश्ता नहीं करने जा रहा है, टेबल पे बैठते इसको इतना मैं मना करती रहती हूँ। अब मैं इसके लिए दाल चावल बनाऊँगी और जा रही हूँ अभी वॉशरूम में, कपड़े डालती हूँ, चाय पीती हूँ। फिर चलिए गाइस फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ये देखिए गाइस इकू ने डेकोरेट किया है क्रिसमस ट्री। ये देखिए यहाँ पे ये रेनडियर, चिकू रेनडियर चला के दिखाओ, दिखाओ कैसे चलता है। डेकोरेशन का भी थोड़ा और बाकी है, जैसे ये सब अभी रह गए हैं और डेकोरेशन के अभी लागे हैं, अभी लगा देंगे इस पर। ट्रेन है क्रिसमस ट्रेन, ऑर्डर हो गई है, अब वो आएगी तब चीकू आप लोगों को सेंटा ड्रेस पहन के दिखाएगा, सेंटा बन के दिखाएगा। और बाकी अभी इस पर थोड़ी बहुत और डेकोरेशन रह गई है, तो वो डेकोरेट और हम लोग करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एंजल्स और लगानी है, तो वो और ला के फिर लगाएंगे, है ना चीकू? डू यू लाइक इट? उसको इतना मज़ा आ रहा था डेकोरेट करने में, इतना खुश हो रहा था ये। तो अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगता है तो सही है। हेलो गाइस, तो बस हम लोग बैठे हैं अभी, देखिए डेकोरेशन मैंने आप लोगों को भी दिखाई, तो बस डेकोरेट हो गया है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग चिकू ने बाकी सारी लाइट ऑफ कर दी है और बस ये इस डेकोरेशन की लाइट जल रही है, तो बस हम लोग इसी में बैठे हैं अंधेरे में। और बाहर बारिश का सीज़न है, इतनी बारिश आज हुई है कि अभी भी हो रही है, अभी भी चल रही है बारिश, तो काफ़ी बारिश हो रही है आज, काफ़ी बारिश पूरे दिन भी हुई है, इसी वजह से चीकू स्कूल नहीं गया था। हाँ दिस इज स्नो, हाँ यू आर राइट, वो निकल गया चीकू, रेनडियर निकल गया, उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। ओके इट्स ओके, जस्ट लीव इट, फिक्स कर देंगे, इट्स फाइन।
कैन यू डू इट योरसेल्फ? चीकू फिक्स कर देगा ना। पता नहीं टेप लगाया था इसमें और ये टेप निकल क्यों रहा है। प्रेस करो बेटा ठीक से। हाँ और प्रेस करो। हाँ ऊपर वाला करो प्रेस। ठीक से प्रेस करो। चिकू ने फिक्स कर दिया राइट। गुड जॉब। चिकू कैसे क्या पहन के घूम रहा है क्रिसमस की। सेंटर क्या? अब चिकू की सेंटर ड्रेस आएगी तब चिकू सेंटर बन के दिखाएगा ना। और चिकू को क्रिसमस पे गिफ्ट भी मिलेगा तो चिकू बहुत एक्साइटेड है कि इसको क्रिसमस पे गिफ्ट मिलेगा। तो वही वेट कर रहा है चीकू की कब क्रिसमस आएगा कब गिफ्ट मिलेगा। अब इसकी छुट्टियां भी स्टार्ट होने वाली हैं। बस यही हफ्ता है स्कूल का। ये एक्चुअली ये हफ्ता नहीं अभी डेढ़ हफ्ता है ऑलमोस्ट। तो बस फिर उसके बाद हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के यहाँ पर। और क्योंकि मौसम भी अब ऐसा होने लगा है यहाँ पर ऐसा सीज़न हो गया है कि बारिश वगैरह ज़्यादा ही हो रही है। जाओ ऑन करो। कौन सी लाइट ऑफ करनी है? ये वाली मत करो बेटा। कौन कह रहा है आपसे मत करो? तो बारिश भी काफ़ी होने लगी है तो मौसम इतने ख़राब मौसम है लोग ज़्यादा जाते भी नहीं है स्कूल क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। ड्राइव करने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतनी बारिश होती है कि ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। तो बस कहीं से अभी तो यही चल रहा है। बाकी हम लोग बैठे हैं अभी। बस मैं थोड़ी देर में चाय बनाऊँगी। खाना खा लिया हम लोगों ने। अब थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ फिर पता ही नहीं चल रहा 4 बज रहा है लेकिन बाहर का आप देखो कैसा हो रहा है। तो ये डेली का ही है बाहर मतलब 4 बजे 4:30 बजे तो बिल्कुल अंधेरा पूरा अंधेरा हो चुका होता है। तो आधा दिन ऐसे निकल जाता है पूरे अंधेरे अंधेरे में निकल जाता है। और सुबह भी वही सुबह 8 बजे करीब रोशनी होती है 4:30 बजे 4:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। क्या कर रहे हो? 4:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है। पता ही नहीं चलता फिर रात हो जाती है तो लगने लगता है कि अरे अब तो रात हो गई टाइम। लेकिन जबकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है बट फिर भी हो लगने लगता है देख के कि बाहर अगर रोशनी नहीं है तो ऐसा फील होता है कि अरे सब तो रात हो गई अब सोने का टाइम हो रहा है जबकि बजा होता है यहाँ पे 5। तो ऐसे ही है। और तो चलिए गाइस फिर थोड़ी देर में बात करते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस। हम लोग बस सोने जा रहे थे तो आज कुछ ऐसा कुछ अलग सा रहा नहीं करने को पूरे दिन क्योंकि वही बारिश का चल रहा था। बारिश हो रही थी इतनी तो इसीलिए कुछ भी हुआ नहीं। चीकू स्कूल भी नहीं गया घर पे ही था। तो बस घर पे वही डेली का जो होता है खाना पीना ये सब चलता रहा। कहीं जाना तो हुआ नहीं बाहर निकले ही नहीं क्योंकि इतनी बारिश। हाँ टुमारो स्कूल जाना है तो अभी मैंने देखा था वेदर उसमें कल का दिखा तो रहे हैं बारिश बट इतनी नहीं है जैसे आज दिखा रहे थे। तो हल्की फुल्की है कल बट वही है कि मैं यही सोच रही हूँ कि इसके स्कूल के टाइम पे ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस गाइस यही है। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। हम लोग बस आ गए रूम में। व्हाट? ओके गो अहेड। तो रूम में आ गए हैं हम लोग और यही करते हैं कोशिश कि रूम में जल्दी आके बैठ जाते हैं आराम से और लेट के बातें बातें करनी है जो करना है वही सब करते हैं। बाहर तो बारिश की आवाज बस आ रही है झमझम। हेलो गाइस वेलकम बैक। बारिश जी वो दिन रात में व्लॉग स्टार्ट करना होता है उसको पता थोड़ी नहीं कि कैसे दिन रात होगा। बस ये लाइट्स ऑन करवा दी है इसमें। इसको इस लाइट का पता नहीं क्या हो गया इतना शौक इस लाइट का। बड़ा खुश होता है इस लाइट की वजह से। ये देखिए आप बाहर देखिए बारिश हो रही है तेज बारिश हो रही है देख सकते है। तो दिखेगा तो कुछ नहीं अंधेरा ही है बाहर तो।
तो दिखेगा कुछ नहीं, बट बहुत तेज बारिश है और ये कंटिन्यूसली ये चल रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। चीकू क्या करते हो बेटा? इसे इतना, इसके छोटे छोटे ये छोटे छोटे टॉयज हैं, ये ग्रेप्स देखो कितना छोटा सा, ये सब इसने यहाँ पे फैला के रखे हुए थे, खिलौने अपने पूरा फैले हुए थे सारे टॉयज यहाँ पर, देख रहा हूँ खड़े हो गए। तो बस गाइस यही है, और बाकी कुछ कुछ खास तो नहीं, आज हम लोगों ने क्रिसमस भी थोड़ा सा डेकोरेट किया, और अभी थोड़ी चीज़ें उसमें रह गई हैं तो वो भी सोच रहे हैं करने के लिए, देखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लेना भी था बट हम लोग कहीं जा नहीं पाए तो अभी लेके आए भी नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ डेकोरेशन का ही कुछ चीज़ें लेनी थी क्रिसमस ट्री के लिए, और बाकी इसके सेंटा ड्रेस तो ऑर्डर हो गई है, सेंटा ड्रेस के लिए बहुत टाइम से बोल रहा था, इसको चाहिए। चीकू उसको मत टच करो बेटा, वो गिर जाएगा। तो क्रिसमस ड्रेस वो सेंटा ड्रेस के लिए काफ़ी टाइम से बोल रहा था, तो वो तो ऑर्डर हो गई है, वो आ जाएगी। और बाकी चीकू के ये देखिए, ये यहाँ पे टॉयज इसमें भरे हुए हैं, इसके कपड़ में पूरे टॉयज हैं, इतने टॉयज हैं, हर जगह टॉयज ही टॉयज, रखने की जगह नहीं होती ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये वेजिटेबल्स टॉयज हैं, जो प्लास्टिक वेजिटेबल्स होती है ना, कटिंग वेजिटेबल्स वो है काफ़ी, और जब कुछ हटाने का होता है तो फिर कुछ हटाने का मिलता नहीं, क्योंकि वो हटाने नहीं देता है उसको, सारे फिर टॉयज खेलने होते हैं, सब कुछ फिर निकालने लग जाता है खेलने के लिए। तो बस गैस यही है, और मैं जैसे इधर आई हूँ उधर इधर भाग भाग के आ गई है, बहुत डरपोक है ये, बहुत डरता है पता नहीं क्यों, जब ये छोटा था तो फिर भी जाके बैठ जाता था इधर उधर, अगर हम लोग नीचे हैं तो ऊपर आके बैठ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाता था, लेकिन अभी जितना बड़ा हो गया उतना ही उसमें पता नहीं क्या हो गया, इतना डरने लगा है, जाता ही नहीं है, इनफैक्ट एक फ्लोर पे भी दूसरे रूम में भी नहीं जाएगा, अगर हम उस रूम में हैं तो वो भी उस रूम में ही रहेगा, तो पता नहीं क्या हो गया इसे, तो पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, क्या बच्चों का ये कुछ सोचते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, और बिना बात के डरता है, चिल्लाता है, ऐसे चिल्लाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, बस उछल कूद कर रहा है बेड से। तो चलिए गाइस फिर व्लॉग एंड करती हूँ मैं, आप लोगों को ये चाहिए दिखाती हूँ, मैंने ये बनाया था, ये देखिए ये बनाया था, ये पेन से बनाया है मैंने, जो ब्लैक पेन आता है वो उससे बनाया था, और एक ये मैंने बनाया था, ये चारकोल पेंसिल आती है ना, तो ये चारकोल पेंसिल से बनाया था, तो मुझे अच्छा लगता है ये, काफ़ी सुंदर लगता है, ऐसे मून में बैठे ऐसे का रिफ्लेक्शन तो अच्छा लगता है ये देख के मुझे। व्हाट व्हाट हैपेंड, तो बस गाइस यही है, और चलिए गाइस फिर हम लोग कल बात करते हैं, और कल तो चीकू के स्कूल जाना है, तो मैंने सारी तैयारी तो कर दी है, रात में करके रख दी है, बाकी कल मैं वही फ्राइज बना के भेजूंगी, तो मैंने वो आलू जो थे वो बॉईल करके रख लिए हैं, और बस वो सुबह फ्राइज बना दूंगी इसकी, बस वही ले जाएगा मॉर्निंग में, अभी कोई सोप नहीं मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिल पाएगा, अभी नीनू टाइम है, ओके। तो बस इसका मैंने फ्राइज मॉर्निंग में बना दूंगी, वो रख दिया है। हाँ चलो चलो लेट्स गो। तो ओके यू वांट दिस, ओके देन वेट, शायद आप लोगों को पता नहीं है चीकू को सोप्स का बहुत शौक है, जो बार सोप होते हैं ना उनका इतना शौक है, पता नहीं क्यों, मुझे याद रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक डब्बा है उसमें इसने 20-25 या ऐसे 15-20 लगभग सोप रख रखे हैं, और ना ही वो यूज़ करने देता है ना कुछ, वो बस वैसे के वैसे ही रहते हैं, और बस खोलता है ऐसे निकालता है, बस उसको फिर से बंद कर देता है,
कुछ कुछ मैंने YouTube चैनल देखे, कुछ कुछ YouTube में ऐसे वीडियोस हैं जिसमें दिखाते हैं कि सोप खोल रहे हैं रैपर से, फिर रैप मतलब रैप कर देते हैं, फिर से बंद कर देते हैं। तो ये देख देख के इसका भी वैसे ही बना हुआ है, ये देखता है वही, उसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है उसमें। तो यहाँ पे कई बच्चों का ऐसा है कि कई बच्चों को ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, और बच्चे इनफैक्ट टॉयज से नहीं खेलते, इन सब चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। तो कई बच्चों का ऐसा यहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने सारे सोप्स हैं। इंडियन स्टोर हम लोग जाते हैं तो वहाँ से ही लेकर आता है, और बार सोप तो इंडियन स्टोर में मिलते ही हैं। हाँ, तो आप ये देखिए, जैसे कि ये भी रिन सोप है, ये इंडियन स्टोर का है। तो इसको कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग बाकी बातें कल करेंगे, और कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट एवरीवन।